हेलो एवरीवन, दिस इज मानप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग करियर टॉक्स विद मानप्रीत। सो आज हमने साक्षी को इनवाइट किया है। साक्षी इंडियन नर्स है जो कि अब जर्मनी पहुंच चुकी हैं। इनका वीजा प्रोसेस पूरा करियर टॉक्स ने असिस्ट किया था और आज साक्षी ने स्पेशल टाइम निकाला है हमें और गाइडेंस देने के लिए कि और जो इंडिया से नर्सेज ने यहाँ से फ्लाई करना है, हम उनको और कैसे बहुत अच्छे बेटर वे से गाइड कर सकते हैं। राइट साक्षी, पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो एवरीवन, हेलो मैम. माय नेम इज साक्षी. आई एम फ्रॉम इंडिया. आई बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. और आई हैव कंप्लीटेड माय नर्सिंग फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी. मैंने अपना नर्सिंग का जर्मनी आने के लिए नर्सिंग का आगे फर्दर जितना भी है सारा मैम से कराया है. मैम ने काफी अच्छा गाइड करा है और नो डाउट सारा अच्छे से करा है. बाकी वीजा प्रोसेस पे भी बिल्कुल कोई इतनी दिक्कत नहीं आई. थोड़ा थोड़ा होता है, आपको लैंग्वेज अच्छे से करनी है. आप लैंग्वेज अच्छे से करोगे तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे सब कुछ स्मूथ चलेगा. ग्रेट ग्रेट, और अभी राइट नाउ मैं जर्मनी में हूँ. मुझे 1 month हो चुका है जर्मनी में, और ऑलमोस्ट 1 month हो चुका है. और ग्रेट। सो साक्षी, जब आप जर्मनी पहुंचे तो कैसा आपका स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा सा अपना गाइडेंस दो कि आपने क्या क्या चीजें, क्या किस तरह से गाइड करोगे और इंडियन नर्सेस को? मैं ऐसे ही गाइड करूंगी कि पहली बात तो जब आप फर्स्ट टाइम आप सोचते हो कि आप जर्मनी जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप एरोप्लेन में बैठोगे तो पहले थोड़ा होता है कि अंदर से दिक्कत होती है कि कैसा होगा, कैसे आगे चलेंगे. बट ऐसा कुछ नहीं है, सब आगे हो जाता है आराम से. बाकी मैम आपके साथ और अश्विनी सर आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहेंगे कनेक्टेड, बिल्कुल एंड तक रहेंगे जब तक आप पूरे अपने जहाँ कैंपस में आ रहे हो वहां ना पहुंच जाओ. और मेरा जो था अपना ड्यूसलडॉर्फ पे एयरपोर्ट पे हमारा था, वहां पे हमें यहाँ से जो थे वो रहने लेने आए थे हमें, और 3 hours का हमारा यहाँ से ड्यूसलडॉर्फ से कैंपस तक का जो था सफर था. और फिर जब हम यहाँ आए तो सबने अच्छे से वेलकम करा. हम शाम में पहुंचे थे, सबने अच्छे से वेलकम करा, सबने अच्छे से विलकॉमन बोला, हेजलिशन विलकॉमन. और यहाँ पे फ्राउ आनी है वो काफी अच्छी हैं, और सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं और सारे और नर्सेस सारे अच्छे हैं. काफी मिक्स्ड अप नेचर है, सब हेल्प करते हैं, सपोर्टिव हैं. सब हेल्पफुल है मैम, सब हेल्पफुल. थोड़ा सा फास्ट फास्ट बताओ कि जर्मनी की लाइफ कैसी है? जर्मनी की लाइफ, आप कहो टिपिकल जर्मन क्या होता है. टिपिकल जर्मन, यहाँ पे काफी कल्चर है, बहुत ज्यादा, मतलब डिफरेंट टाइप्स के कल्चर है. जैसे कि यहाँ पे यहाँ की ब्रेड्स, यहाँ के ऑटोमोबाइल कंपनीज, यहाँ की जितने भी लाइक फेस्टिवल्स हैं, फेस्ट है अक्टूबर फेस्ट है, बर्लिन फेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स के कल्चर फेस्ट काफी ज्यादा फेमस है. तो इसलिए ये जर्मनी एक टिपिकल जर्मनी के नाम से भी फेमस है. और यहाँ पे सबसे मेन रूल्स रेगुलेशंस का है. रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे स्ट्राफन पे करना पड़ता है. स्ट्राफन इज डायरेक्ट पेनालिटी, पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, पे करना पड़ता है. तो रूल्स रेगुलेशन जो भी यहाँ पर आएगा, जैसे कि जिसके पास भी फ्लुएंशाइन है, जिसके पास भी लाइसेंस है, ठीक है, तो वहाँ वो स्पेशली ध्यान रखे. क्योंकि कभी आप जब भी आप ऑटो फारिन के लिए या गाड़ी चलाते हो तो आपको जो है अपना सीट बेल्ट अलाउड है बिल्कुल पहनना, चाहे आपके जो साथ बैठा है उसको भी, आपको भी और आपके जो पीछे बैठा है वो भी. और यहाँ पे रूल्स हैं मुल त्रैनुंग के. मुल त्रैनुंग इज लाइक कि डिफरेंट टाइप्स के डस्टबिन हैं वहाँ के. पेपर अलग जाएगा, प्लास्टिक अलग जाएगा, मुल त्रैनुंग अलग जाएगा. स्टार्टिंग में होता है कि ये हमारे इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है कि अलग अलग, तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है. क्योंकि अगर आप अलग नहीं करोगे वो मेन जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं वो लेके ही नहीं जाएंगे. और यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा है डॉक्यूमेंटेशन के काम में धीरे. और बाकी सब तो बढ़िया है. बस मेन जो है आपको अपना, जब भी आप फ्रूअर शाइन आपके पास लाइसेंस है उसका आप ध्यान रखो कि कोई भी आप पेनालिटी मत पे करो अपनी तरफ से, आप कोई मतलब पे मत करो. और साथ में प्लस अपना जो जितना भी ये मुल त्रैनुंग वाला सिस्टम है, डस्टबिन वाला सिस्टम है, इसको थोड़ा समझो क्योंकि उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वर्क करते हैं. और खाना पीना कैसा डिफरेंट है, मतलब
फेस किया खाना स्टार्टिंग पीना में? ये है कि अभी जैसे मैं कैंपस में जहाँ रह रही हूँ वहां से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे तीन हमारे मेन स्टोर है, वेट्स है, लीडल है, पेनी है, एक्शन है, मतलब ये नियर बाय जो है ये तीन है। बाकी जो है अगर आपको इंडियन का कुछ लेकर आना है तो वो थोड़ा आपको जाना पड़ेगा दूर, थोड़ा बाय जुग जाना पड़ेगा, ट्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, और वहां से आप ला सकते हो। खाने पीने का यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रेट है, इतना कुछ नहीं है, 1-1.5 यूरो में आपको ऑलमोस्ट आपका सामान का एक एक चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ज्यादा नहीं है, 50 यूरो और 45-40 यूरो आपके लिए इनफ रहेगा। आप 15 दिन का कर सकते हो एक बंदा। मतलब 100 यूरो इनफ है मंथ के लिए? हाँ हाँ पर मंथ इनफ है 100 यूरो। ग्रेट। और स्टडी के रिगार्डिंग कुछ ऐसा थोड़ा सा, मतलब अब नर्सेस के बारे में बात करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का, वहां पे आके हमें नॉलेज टेस्ट के ओके रिगार्डिंग थोड़ा बताओ, और जर्मन लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताओ कि जर्मन लैंग्वेज अगर अच्छा नहीं है तो बहुत दिक्कत आने वाली है, जो कि जर्मन मुझे लैंग्वेज जर्मन टिल टीम गाइड B1 तक तो करती है। आपको अपनी होम कंट्री से सीख के आनी आनी है, ये तो है ही कंफर्म कि B1 तक आपको अपनी होम कंट्री से सीख कर आनी है। B2 आप यहाँ पे आकर भी दे सकते हो, क्योंकि B1 तक तो वीजा ही एक तो मांगता है कि B1 तक आपको होना ही चाहिए, और आप सीख कर आओगे तो वो ज्यादा बेटर है कि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी हैं कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा, अगर आता भी होगी ना इंग्लिश तब भी नहीं करेगा, अपनी भी लैंग्वेज नहीं में ही करेगा, प्रेफर करते हैं बात करना। हाँ अपनी राइट? लैंग्वेज में ही प्रेफर करते हैं, और वो उनको अच्छा भी लगता है अगर आप उनकी लैंग्वेज में बात करोगे, उनको भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि वो भी आपसे बहुत अच्छे प्यार से बात कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे आना है, 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, 3 मंथ ट्रेनिंग के बाद आपको एक प्रूफुंग टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि प्रूफुंग कैंटनेस से प्रूफुंग टेस्ट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, म्यूंडलिशम में है और अपना थ्योरी में है, थ्योरी प्रैक्टिस में, सॉरी मुंडलिश और प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस है वो यहीं पे ही होगा, यहाँ पे दो हमारे टीचर्स हैं जो लेंगे, और मुंडलिश 1 घंटे का होगा, प्रैक्टिस भी 1 घंटे का, जो मुंडलिश 1 घंटे का है उसमें आपको 1 घंटा नॉनस्टॉप बात करनी ही करनी है, आपको क्या है एक सिचुएशन दे दी जाएगी। मीन्स ये क्या थ्रेटिकल मैम? और प्रैक्टिकल है, थ्रेटिकल हाँ एंड एक प्रैक्टिकल। मुंडलिश है जिसमें लाइक वाइवा है, ओके वन ऑन वन वाइवा है, और एक प्रैक्टिस है जिसमें ठीक आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, नर्सेस का जो प्रैक्टिकल होता है, है, ओके जैसे कि राइट। नॉर्मली वॉशन हो गया या कुछ भी आपका म्यूंड हो गया, म्यूंड फ्लेगर हो गया, ओरल केयर, ये सब चीजें जो होती हैं, बॉडी केयर, ये सब चीजें, ये जो हो गया ये प्रैक्टिस अभी में हो जो गया। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसमें आपको वो क्या मेन क्या चीजें सिखा रहे हैं ट्रेनिंग में? यहाँ पे तो आप सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीख के गए A1 A2 B1 लेवल तक, वहां पे ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जा रहा है? जर्मन मेडिकल टर्म्स या प्रोसेस कैसे होते हैं, आप मतलब मेडिकल के कैसे, आप थोड़ा गाइड करो। सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग हमारी क्लास थी तो उन्होंने सबसे पहले तो हमें लाइफ बताई कि जर्मनी में क्या लाइफ है, जर्मन में क्या मतलब क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्जिश्रूंग इंश्योरेंस, वो हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस है यहाँ पे, तो वो सब पता होने चाहिए, हमारा एम्प्लॉय का क्या है, हमारा एम्प्लॉय की सैलरी का क्या सिस्टम है, ये सब कुछ उन्होंने बताया कि कैसे क्या कितना मिलेगा, कितना यहाँ पे स्टॉयर कट होगा, स्टॉयर मीन्स आपका टैक्स कितना कट होगा, यहाँ पे आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप कौन से स्टॉयर क्लास में आएंगे, मतलब आप फर्स्ट नंबर पे आएंगे, 6 तरह के हमारे जो है यहाँ पे स्टॉयर क्लास है, मीन्स टैक्स की क्लासेस है, 1, 2, 3, 4, तो अभी जो राइट नाउ अभी मैं जो हूँ मैं एक तरह से सिंगल हूँ, तो मैं स्टॉयर क्लास 1 में आ रही हूँ, जो मैरिड होगा वो उस अकॉर्डिंग उस क्लासेस में आएगा, तो ये सब राइट। चीजें बताई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना नर्सिंग का स्टार्ट करा, क्योंकि ये सब चीज पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब नई चीज पता होगी तो आप आगे फर्दर नहीं आगे बढ़ सकते हो, फिर उन्होंने नर्सिंग का स्टार्ट किया, नर्सिंग का उन्होंने बताया कि सबसे पहले कि आप ऑन एडमिशन जब आप जाते आपके पास पेशेंट आता है तो आप उससे क्या लेते हो, जैसे अनमनेजा बोलते हैं इसमें, यहाँ पे अनमनेजा इज लाइक हम केस हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की सबसे पहले, फिर धीरे हाँ धीरे हाँ हम उसका उंटरजुखुम करते हैं, क्योपरलिश उंटरजुखुम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जब आपके पास पेशेंट ओके आता है तो आप क्या करते हो, बॉडी का एग्जामिनेशन, पहले उसकी केस हिस्ट्री लेते हो, फिर बॉडी एग्जामिनेशन करते हो, फिर उसके डायग्नोसिस लेते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अनमनेजा आएगा, डिफरेंट स्टेप्स हैं, अनमनेजा हो गया, क्योपरलिश उंटरजुखुंग हो गया, फिर डियाग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, डियाग्नोस्टिक टेस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनवासिव हो गया, निस्ट इनवासिव हो गया, जो हम नॉर्मली अपने इंडिया में करते हैं वही यहाँ पे है, बस थोड़ा नेम चेंज हो गया।
नेम चेंज हो गया, और राइट? कुछ, हाँ नेम चेंज हो गया है बस, बाकी सब वही है। जैसे हम नॉर्मली अपना सीटी स्कैन करते हैं, तो इन्होंने बोल दिया सेटे, बोल दिया इन्होंने, सेटे इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरटे बोल दिया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी, जैसे हम ओके, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो यहाँ पे नेम चेंज हो गया, बस इन्होंने बोल दिया अल्ट्राशाल, मतलब दैट्स इट। प्रोसेस सारे सेम है, लेकिन हमें सारी टर्म्स को हाँ जर्मन लैंग्वेज में पूरी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीखनी है। हाँ ये सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो आप वही चीज कर रहे हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूनिवर्सल है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे जर्मन हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, प्रैक्टिकली यूनिवर्सल हॉस्पिटल्स में सारी जगह वही होता है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली और बाय आपको हर्ट जो है वो वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, वो कैप काइंड, मतलब सारा प्रॉपर। या वो ओके, कैबलरी आपको, हाँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं ये वो कैबलरी, ये पूरा एक पेपर देते हैं, पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, आपको प्रॉपर एक सारे हर दिन आपको नोट्स मिलेंगे, उसको नोट्स को एक एक लाइन करके आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं, ताकि ओके, आपकी भी जो है प्रोनंसिएशन अच्छी हो जर्मन की, आपको हाँ बोलेंगे एक एक बच्चे को, बोलते हैं लाइन वाइज की एक एक बच्चा पढ़ेगा आपकी, ताकि प्रोनंसिएशन भी अच्छी हो और आपको भी समझ आए और बाकियों को भी समझ आए, तो एक एक करके बच्चा पढ़ता है, फिर उस अकॉर्डिंग वो एक एक लाइन करके समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, बिल्कुल ओके। आराम से समझाएंगे। और टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे? अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा, बार बार आप पूछ रहे हो, तो वो हेल्प करते हैं? इरिटेट वाला सीन तो नहीं है? टीचर्स मैम खुद ही उल्टा बोलते हैं कि आप नहीं समझ आता है तो पूछो, चाहे वो एक बार पूछो चाहे दो बार पूछो, आपको नहीं समझ आएगा वो समझाएंगे, पर वो समझाएंगे अपनी लैंग्वेज में ही, तो कोशिश करो कि B1 तक एटलीस्ट करके ही आओ, और B1 तक तो करके ही आओगे, बट जो है हियरिंग अपना थोड़ा बेटर करो और थोड़ा बोलने की कोशिश करो। ये तो अब थोड़ा सा हमने भी स्ट्रिक्ट कर दिया कि सर्विस, आई गेस वहां 7 स्टार है, बट लैंग्वेज में कोई कॉम्प्रोमाइज या नहीं होगा। लैंग्वेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मैम, सर्विस अच्छा है वहां पे सारा? आपको कोई सर्विस मैम दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आ बेस्ट रही? है, यहाँ पे रूम्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि रूम्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक उन्होंने लाइक एक हाउस मास्टर टाइप होता है ना, जैसे मैम टेक केयर टाइप जो होता है, वो भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, और फ्राउ आनी है ओके, जो यहाँ की मेन बॉस है, शेफ है, वो मतलब सब कुछ हैंडल करती है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उनके पास डायरेक्ट जा सकते हो। और यहाँ पे आप लोग कुकिंग वगैरह आराम से कर पाते हैं, मतलब कुकिंग के कैसे? लिए एक प्रॉपर क्यूश दे रखा है, किचन दे रखा है उधर, हम इकट्ठे ही कुकिंग करते हैं, हम सारे जितने भी लोग हैं वहाँ इकट्ठे अपनी अपनी कुकिंग करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं जा सकते हो या अभी ये टाइम पे जाना है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आप जाके कुक कर सकते हो, बट 8 to 5 आपकी क्लासेस रहेंगी, 8 to 5 में आपके 4 पॉज मिलते हैं, ठीक है, एक सुबह पॉज मिलता है 9:15 से 9:30 के बीच में, एक होता है 11:15 से 11:30, मिड टाक पोज मीन लंच टाइम जो होता है वो आपका होगा 1 से 2:45 के बीच में, और फिर 3:15 से 3:30, ये 4 पॉज होते हैं बीच में, आप इसमें अपना छोटा मोटा खाना पीना है वो खा सकते हो, बीच में एक मिड टाक पोज लंच ब्रेक मिलता है उसमें आप खाना बना के खा सकते हो अपना, और 5 बजे तक क्लासेस रहती हैं, 5 बजे के बाद आप कुछ भी करो। ओके, 5 बजे के बाद आई गेस मैं कल अपनो रिवाइज ही करते होंगे, क्योंकि ये 3 मंथ्स हाँ मैम आपके लिए वही है कि पूरा। या मैम रिवीजन है मैम, जो पढ़ाया है वो कल वो पूछ पूछ भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते, वो पूछ लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट जो पढ़ाया है वो रिवीजन करते रहो, आपके मेन आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो तो मैम है ही। आप थोड़ा सा मेन मुझे ये थोड़ा गाइड करो कि नर्सिंग पे थोड़ा सा ज्यादा और डिस्कस करते हैं। जो आने वाली नर्सेज हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा गाइड करें कि यहाँ B1 तक तो आपने कर लिया और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी आप अच्छी करके आओ, B2 लेवल तक का स्पीकिंग अच्छा करके आओ, बट क्या उनको जो स्पीकिंग है वो मेडिकल टर्म्स की स्पीकिंग हम यहाँ से करा के भेजें, या मतलब स्टार्टिंग में आपको जाके क्या प्रॉब्लम फेस करी आप, जो हम यहाँ से बेटर करके भेजें वो? मैम एक चीज रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे इंडियंस में जैसे जो लैंग्वेज में बोलते हैं उनका हम लोगों को समझ आता है, लेकिन यहाँ इनकी नेटिव लैंग्वेज है तो उनको कैच करने में हम लोगों को दिक्कत होती है, हमारा थोड़ा हियरिंग में दिक्कत आता है, क्यों, क्योंकि उनकी प्रोनंसिएशन वर्ड्स की और हमारे इंडियन के प्रोनंसिएशन वर्ड्स की इज लाइक डिफरेंट, डिफरेंट। हाँ, जैसे अगर हम कुछ नॉर्मली बोलते हैं वो भी वही चीज बोलेंगे लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन अलग हो जाती है, तो हम वो कैच नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, जब वो हम सुन नहीं पाएंगे तो फिर हम आंसर नहीं दे पाएंगे, और दिक्कत ये अभी है, तक बस मेन आपने दिक्कत यही है, बाकी तो सब को सब ठीक है क्या मैम। ग्रेट,
अभी तक आपने जो 1 month यहाँ पे स्टे किया है, तो इसमें आपने नर्सिंग का मेडिकल टर्म्स में क्या सीखा है, ऐसा थोड़ा सा बताओ मुझे, जर्मन लैंग्वेज में बताओ ताकि मेरी नर्सेस को हेल्प हो सके। जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले जैसे हम पेशेंट एडमिशन होता है, पेशेंट एडमिशन में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पार्टसिएंटेन आउफनामा, जिसे हम बोलते हैं पेशेंट एडमिशन। पार्टसिएंट आउफनामा में हम सबसे पहले जो श्रेटा आता है, फर्स्ट स्टेप जो आता है, उसे हम बोलते हैं अनमनेजर। अनमनेजर जैसे हम नॉर्मली केस हिस्ट्री लेते हैं अपने इंडिया में, तो हम उनको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनमनेजर। उसमें हम गिजुंड हाइट सुस्टांड मेडिट्सनिशर फॉरगिस्ट अक्टुवेलो बेश्वेडन फ्लेगरिश उंटरजुम बेदार्फ, जिसमें गिजुंड हाइट सुस्टांड मींस उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, पेशेंट का, पार्टसिएंटन का हेल्थ स्टेटस क्या है, गिजुंड हाइट सुस्टांड। नेक्स्ट है मेडिट्सनिशर फॉरगिस्ट। मेडिट्सनिशर फॉरगिस्ट मींस कि उसकी पहले की हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। अक्टुवेलो बेश्वेडन, अक्टुवेलो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है एरक्रांकुंगन के साथ, मतलब एरक्रांकुंगन कोई भी इलनेस के साथ अगर आता है, तो हम अक्टुवेलो बेश्वेडन बाइम कॉम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, उसका अक्टुवेलो बेश्वेडन बिफिंडन करने की कोशिश करते हैं कि उसको एक्चुअल डिसऑर्डर, एक्चुअल बीमारी क्या है। फ्लेगरिशर्ड उंटरस्टुट्जुंग बेदार्फ, फ्लेगरिशर्ड उंटरस्टुट्जुंग बेदार्फ क्या होता है कि हम नर्सिंग के अकॉर्डिंग हम उसको क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया अनमनेजर, जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्योपलिशर, जो सेकंड शिटर है वो है हमारा क्योपलिशर उंटरजुकुंग। क्योपलिशर उंटरजुकुंग में जैसे हम नर्सेज में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं हम। नर्सेज जो सुनेंगे उनको पता ही होगा फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, जो 4 तरीके से होता है हमारा, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन ये बोलते हैं बेत्राक्टन, वैसे तो इंस्पेक्सियन भी बोलते हैं, लेकिन बेत्राक्टन मींस बाय ऑर्गन के थ्रू, आप बाय अपने आईज के थ्रू आप कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट आता है पालपाटसियन, पालपाटसियन मींस आप टास्टन, आप अपनी फिंगर्स के थ्रू क्या करते हो, राडियाला आत्रियेला जो होता है उसको आप टास्टन करते हो, फील करते हो, फ्यूलन करते हो। नेक्स्ट आता है क्लॉपफेन, क्लॉपफेन मींस परकशन, परकुशियन भी बोलते हैं इनको। क्लॉपफेन मींस अपने जितने भी ऑर्गान हैं, जितने भी आपके बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, उसको आप क्या करते हो, क्लॉपफेन करके आप उसमें करते हो कि उसके अंदर लुफ्ट है, लुफ्ट मींस एयर है, वासर है, ये आप करते हो। नेक्स्ट आता है अबह्योरन, अबह्योरन मींस ऑस्कुलटेशन, ऑस्कुलटेशन मींस ऑस्कल्टेशन, बाय स्टेथोस्कोप की हेल्प से आप क्या करते हो, स्टिमा सुनते हो, अभ्योरन करते हो, हेयरन स्टिमा, हेयरन करते हो, हेयर स्टिमा हो गया, लुंगा स्टिमा हो गया, हेयर मींस हार्ट का, लुंगा मींस लंग्स का, ये सब क्या हो गया, क्योपर लेशर उंटरजुकुंग में आ गया। ऐसे ही आप ये क्यों कर रहे हो, कोई भी अनोमिलियन हो गया, हमारा क्रांकाइटाइजेशन हो गया, क्रांकाइटाइजेशन मींस इलनेस, कोई इलनेस की साइंस को एरकेनन करने के लिए, एरकेनन मींस टू आइडेंटिफाई करने के लिए। वेरी नाइस, ग्रेट। नेक्स्ट आता है जैसे कि हम सबसे कॉमन हमारा नर्सेस का एक ही काम होता है विटालाइजेशन, विटालाइजेशन सबसे कॉमन है, वाइटल साइंस जिसे बोलते हैं। 4 चीजें, ब्लड ग्रुप मैसूंग, पुल्स मैसूंग, थर्मोमीटर से आप अपना टेम्परेचर और क्योपलिशर का टेम्परेचर मैसूंग और आटम फ्रीक्वेंस लेते हैं। सबसे पहले हम जो हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप मैसूंग होता है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप गेरेट है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, मेसन करते हो, मेसन होता है मेजरमेंट, आप ब्लड ग्रुप को मैसूंग करोगे। सेम प्रोसीजर है प्रैक्टिस में, हम सेम वही करेंगे, लेकिन थोड़ा बोलने में है कि वो डिफरेंस हो जाएगा। आप जो ब्लड प्रेशर बोलते थे आप क्या बोलोगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए आप क्या बोलोगे, ब्लड ग्रुप मेसन कर रहे हैं, पुल्स मेसन कर रहे हैं, रेडियाल करेंगे, ब्रैकियालिस करेंगे, फिमोलिस करेंगे, हाल्स करेंगे, टेम्पोरालिस करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है जितनी भी है ये सारी आत्रियेल है, हमारी आर्टरीज हैं जो हम नॉर्मली बोलते हैं नर्सिंग की लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है कि डियाग्नोस्टिक टेस्ट है, यहाँ पे डियाग्नोस्टिक टेस्ट है, एक होता है डियाग्नोस्टिक टेस्ट इनवासिव और एक होता है निस्ट इनवासिव। जो इनवासिव होते हैं, जो कि हम जिसमें हम आइन ग्रिफ करते हैं, हम बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, आइन ग्रिफ जिसे हम बोलते हैं, आइन ग्रिफ इन द क्योपर, और एक होता है काइना आइन ग्रिफ, मींस हम उसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं। जो डियाग्नोस्टिक है हमारे इनवासिव वाले, उसमें हमारे बियोप्सीज आ जाती हैं, या हमारी एंडोस्कोपी आ जाती है, या एंडोस्कोपी हो गई, कोलोस्कोपी
बीमारी हो गई, ये सब चीजें आ जाती हैं। और जो हमारे निष्ठ इनवासिव है उसमें हमारे रॉन्टिगेन आ जाता है। रॉन्टिगेन सबसे कॉमन है जिसको हम एक्सरे बोलते हैं, उल्ट्राशाल हो गया, यूएसजी हो गया हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लूटूथ ट्रूज़ुगुंग हो गया, ब्लूटूथ ट्रूज़ुगुंग में सारे ब्लड रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो आ जाएंगे, एमआरटी हो गया, सेटे हो गया, पेएटे हो गया, ये सारे जो है हमारे क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये निष्ठ इनवासिव है, इसमें हम बॉडी में एंट्री नहीं करते हैं। आइन ग्रिफ जो होता है इसमें वो काइना होता है, काइना मीन्स नो आइन ग्रिफ, नो एंट्री। ये सारे जो है बिल्ड गेबिंडर फरफारन है, मीन्स इमेजिंग प्रोसीजर्स हैं जिसमें हमें इमेजेस फाइंड आउट करने को मिलती हैं। ऐसे ही है मैम स्पेशियल उंटरजुकुंग करते हैं, ईएनटी जिसे हम बोलते हैं, इन ईएनटी आई ईयर नोज का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अपना एचएनओ, हा एनओ, हा एनओ इज हाल्फ नाजा एओरन उंटरजुकुंग, यही ग्रेट, सब है मैम। अभी थैंक यू सो मच। मैं बस एक्चुअली थोड़ा सा इसलिए गाइडेंस लेना चाह रही थी कि आने वाली जो और नर्सेज हैं, जो और बैच रेडी हैं हमारे, तो हम उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे पाए कि थोड़ा सा यहाँ से और प्रिपेयर होके जाओ, ताकि वहां जाके वन शॉट में हम ये नॉलेज टेस्ट क्लियर कर पाए। तो आपकी वैसे भी जी बहुत मैम, तेज आ ये रही थी, तो हाँ, क्या बहुत सपोर्ट कर रहे हो वैसे वहां तो पे मैम नर्सेस यही को। मोटिव है कि एक ही शॉट में क्लियर हो, बट वही है कि पहले से वो ये सब चीजें, अब हम तो ये सब चीजें यहाँ आके सीख रहे हैं, अब अगर वो पहले से सीख के आएंगे तो उनको समझने में इश्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूनेशिया से या मोरक्को से लोग आए हैं उनको ये सब चीजें पता है पहले से, और हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों को अभी थोड़ा मेहनत करने का हो रहा है अभी, कि हम थोड़ी मेहनत करें अभी, क्योंकि हम तो अब पहुंच गए हैं तो हमें तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो अब आ रहे हैं वो पहले से ही वहां से मेहनत करके आए तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हमने आज, कि आप आओ चैनल कोई पे नहीं मैम, और अपनी आवाज पहुंचाओ इंडिया की नर्सेस के पास, कि वो भी आराम से जर्मनी इजिली सेटल हो सके, पहुंच सके। राइट, जी मैम ये तो है ही, बाकी ग्रेट। 3 मंथ्स बाद तो अर्बाइट गेबर्स का भी इन्होंने जो है अभी 1 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने फॉर्म हमारा करवा दिया, अर्बाइट गेबर्स से भी हमारा आ चुका है, अभी कुछ 10 डेज में या 1 वीक के अंदर अंदर हमारा जो है एक उनके साथ भी इंटरव्यू हो जाएगा कि हमें अभी आगे कहाँ काम करना है उनके साथ। राइट राइट। तो और कोई स्पेशल मैसेज ऐसा जो इंडियन नर्सेस को देना चाहो? जर्मन लैंग्वेज तो करना ही करना है, और बहुत अच्छे लेवल पे करना ही करना करना है, है। बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैसेज यही देना चाहूंगी कि यूट्यूब से जितना ज्यादा आप ह्योरन उनके का सीख एसेंट को। सको या उनके एक्सेंट को कैच कर सको वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत फास्ट वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर आप नॉर्मली हम भी जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम भी जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली, वही बात बिल्कुल है, आप कोई लैंग्वेज को, हाँ कोई लैंग्वेज का आपको एक्सेंट कैच करना है तो यूट्यूब में आप बार बार उस चीज को सुनो, नर्सेस के से रिलेटेड जितनी भी वो कैप्स हैं वो सारी पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे लिख लिख के उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तभी वो माइंड में रहेंगी, अदरवाइज वो माइंड में भी नहीं रहेंगी, क्योंकि हम अभी इंडिया, अगर इंडिया में जब तक होते हैं हमारा इन्वायरमेंट वो नहीं होता कि आप ऑलमोस्ट पूरा टाइम आप जर्मन में बात करो, मुश्किल से आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ सकते हो और खुद ही से ही पढ़ सकते हो, कोई अगर वहां पे किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, आपको अगर यहाँ इन्वायरमेंट मिलेगा तो यहाँ आप जल्दी सीखोगे, ऐसा नहीं है, नो डाउट नहीं सीखोगे, यहाँ जल्दी सीखोगे, पर पहले से थोड़ा आपको उस चीज का नॉलेज होगा तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी ठीक है मैम, अभी आप अपना कंटिन्यू करो वहां पे 3 मंथ्स का ट्रेनिंग, फिर देखेंगे 3 मंथ्स के बाद दोबारा आपको इनवाइट करेंगे अगर आप टाइम दोगे तो। ठीक है ना, जरूर मैम, फिर और मैसेजेस देंगे नर्सेस को। थैंक यू सो मच। ओके मैम, बाय मैम। ओके, बाय बाय।